I would like to share point wise my thought process to become an entrepreneur. पहली चीज जो मैं सोचता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए. नो रिस्क नो गेंस. अब रिस्क कौन ले सकता है? मैं सोचता हूँ जिसके पास खोने को ही कुछ नहीं है वो आदमी बड़ी आसानी से रिस्क ले सकता है. जब है ही नहीं कुछ खोने का, रिस्क लेने में कोई तकलीफ ही नहीं. जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ हो वो रिस्क लेने में घबराता है. अगर हम किसी भी स्थान पर देखें तो जो पुअर पीपल होते हैं या पुअर बच्चे जो होते हैं, जो गांव में पैदा होते हैं, नंगे घूमते रहते हैं सर्दियों के अंदर, वो उस एडवर्स सिचुएशन में भी बहुत बढ़िया तरीके से जीते हैं. जबकि वेल टू डू फैमिली के अंदर बच्चे जब पैदा होते हैं उनको दो दो कंबलों से ढक देते हैं ताकि बाहर मुँह ही ना निकले, कहीं सर्दी ना लग जाए, तो डोमेस्टिकेटेड हो जाते हैं, प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, नेचर से दूर हो जाते हैं. जबकि जिसके पास कपड़े पहनने को नहीं है, जूते पहनने को नहीं है, वो नेचर के साथ जुड़ जाता है और उसी के साथ ही एडजस्ट हो जाता है. ठीक उसी तरीके से अगर हम सोच समझ के कैलकुलेट करके रिस्क लें तो लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और हमारी स्पीड बढ़ जाती है. जब हमारे पास रिसोर्सेस अधिक हो जाते हैं तब हमें रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं आती. कि अगर मान लीजिए हम रिस्क लेते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ का, नहीं भी कामयाब हुए, लॉस भी हो गया, तो उस लॉस को मेकअप करने के लिए और कुछ साइड वाइज हमारे पास होता है. तो जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें रिस्क लेने से डर नहीं रहता क्या होगा वर्स्ट टू वर्स्ट, तो वो एक प्राइमरी किस्म का रिस्क होता है जो कि मैं कह सकता हूँ वाइल्ड और ओरिजिनल तरीके का रिस्क होता है जो आदमी लेता है. दूसरा टाइप का सेकेंडरी रिस्क है जो कि आदमी सोचता मैंने इतना अर्न कर लिया, कुछ खो भी जाएगा तो कोई चिंता नहीं है. दैट इज अ सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क विच इज कैलकुलेटेड रिस्क. पहले में कैलकुलेशन नहीं होती है. जीवन इंसान का फिक्स्ड है कि कितने उसने सांसें लेनी है, कितने समय के लिए यहाँ आया है, और डेफिनेटली वो सोचता है कि मैंने कोई अचीव करना है लाइफ में, फास्ट करना है, तो उसके अंदर ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए. अब इसमें कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहां लोगों को समझाया जाए रिस्क कैसे ली जाती है. ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से होता है. इसमें ट्रेनिंग से रिस्क लेना नहीं आता, या तो ये है या बिल्कुल नहीं है, दो ही चीज़ें इसमें होती हैं. तो जिनमें यह कैपेसिटी नहीं है वो बेहतर है रिस्क ना लें. दैट विल नॉट गो इन देयर इंटरेस्ट ऑल्सो. दूसरा फैक्टर है डिसीजन मेकिंग. अगर हमारी डिसीजन लेने की कैपेसिटी फास्ट है तो हम आगे बढ़ जाते हैं और बहुत अच्छा अचीव कर लेते हैं. ये जो प्रॉपर्टी है डिसीजन टेकिंग की, ये आपके अनुभव से भी आती है और आपके जेनेटिक मेकअप से भी आती है.
जब इंसान कोई बात कर रहा हो तो डेफिनेटली उसकी बात पूरी होने से पहले अगर आपके अंदर सारी स्टोरी पहले ही समझ आती है बाकी क्या कहेगा, तो इसका मतलब है आपकी अंडरस्टैंडिंग की, ग्रास्प जो है चीज़ को समझने की, वो बहुत अच्छी है। और उसकी बात ख़त्म होते विद इन 2 मिनट्स आप उसको आंसर यस या नो दे सकते हैं। किसी भी डिसीजन को लेने में 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, या एट द मोस्ट 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दिस। बहुत सारे लोग जब कभी डिसीजन लेने की बारी होती है तो कंफ्यूज होते हैं। वो कहेंगे मैं सोच के बताऊंगा, एक दिन का टाइम दे दीजिए, मैं अपने घर में सलाह करके आपको बताऊंगा, मैं फैमिली में डिस्कस करके बताऊंगा। तो इस तरीके के लोग ग्रो तो करते हैं लेकिन वो स्पीड नहीं रहती। क्विक डिसीजन से फायदे बहुत हैं। आज आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, शाम को आपका डिस्कशन हो रहा है और आप कहते हैं मुझे टाइम चाहिए। हो सकता है उस आदमी को रात को कोई और प्रपोजल आ जाए जो वो आपसे डिस्कस कर रहा था, और वो रात को जो डिस्कस कर रहा है जिस आदमी से, उसका डिसीजन मेकिंग पावर फास्ट है, तो उसी टाइम यस करता है और डील हो जाती है। तो कल आप आएंगे तो उस चीज़ ख़त्म हो चुकी होगी। तो अपॉर्चुनिटीज लाइफ के अंदर बार बार नॉक नहीं करती हैं। जिस व्यक्ति के अंदर ये डिसीजन टेकिंग पावर फास्ट होती है वो डेफिनेटली आगे की तरफ बढ़ जाते हैं।